हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ्स लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट 49 सॉल्व करेंगे हम लोग। जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया था, क्या दिया है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 30 मीटर। अ ट्रिपल फेंस हैज टू बी पुट अलोंग इट्स एज। इफ द वायर कॉस्ट 60 रुपीज पर मीटर, वॉट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द वायर नीडेड फॉर द फैन। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, तो पहले हम लोग रेक्टेंगुलर एक प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे समझने के लिए। लेंथ कितना है 50 मीटर और विड्थ कितना है 30। अब ये 50 है तो ये भी 50 मीटर हो जाएगा और ये भी 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक सिंगल फेंस करने के लिए हमें कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी, पहले हम लोग उसको फाइंड कर लेंगे। पेरिमीटर ऑफ प्लॉट कितना, तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ कितना है 50 मीटर और 2 इंटू 30 मीटर ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 100 मीटर प्लस ये 60 मीटर हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160 मीटर। ये क्या है, सिंगल फेंस, मतलब एक बार अगर हम लोग उस वायर को ऐसे घिराव करेंगे तो 160 मीटर जरूरत पड़ रही है। हमें कितने टाइम फेंस करना है, 3 टाइम। वी हैव टू फेंस द प्लॉट ट्रिपल टाइम, तो कितना आ जाएगा 3 × 1 टाइम में कितना लग रहा है हमें 160 मीटर। तो ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 का मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है, या फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 में कर लो, तो 0 3 6 18 3 1 3 1 4 हो जाएगा। तो हमें ट्रिपल फेंस करने के लिए कितना वायर की जरूरत पड़ेगी 480। बट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज ₹60, लेकिन हमें उसका कॉस्ट पता करना है ना, तो उसका 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 480 मीटर वायर, तो कैसे हो जाएगा, तो 480, ठीक है, तो 480 × 1 मीटर का वायर का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 0, ठीक है, सिंपल है। तो उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल कट 0 48, 4 कैरी हो जाएगा 28, 0 0 8 8 2 कितना आ जाएगा 28,800। तो हमें वायर का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा 480 मीटर का 28,800। एकदम सिंपल, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग मल्टीप्लाई फिर से चेक कर लेंगे, 0 0 0 आ जाएगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 8 यहाँ पर आ जाएगा 4 कैरी, और फिर उसके बाद 6 4 24 24 में 2 4 ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा। थैंक यू, सिंपल एकदम। तो यहाँ पर आपको क्या करना, पहले पैरामीटर हम लोग फाइंड कर लेंगे, सिंगल फेंस करने में कितना हमें वायर की जरूरत पड़ेगी, फिर जो ट्रिपल फेंस करना है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को टोटल वायर कितना जरूरत पड़ेगा वो पता चल जाएगा, और जैसे ये पता चल जाएगा तो हम 1 मीटर का कॉस्ट हमारा कितना है 60 रुपीज है, तो हम लोग पूरे मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा उसका वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। अ गेम रिक्वायर इट्स प्लेग्राउंड टू रन अराउंड अ स्क्वायर प्लेग्राउंड, ईच साइड ऑफ प्लेग्राउंड इज 20 मीटर, कितना है 20 मीटर लॉन्ग है। वन प्लेयर टूक 5 राउंड अराउंड प्लेग्राउंड, हाउ मेनी मीटर्स डिड ही रन ऑल टूगेदर। अब जैसे यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, जैसे कोई गेम है, ठीक है, और उस प्लेयर को क्या करना है, रन करना है स्क्वायर प्ले ग्राउंड जो है, ठीक है,
ईच साइड ऑफ प्लेन ग्राउंड, एक साइड का प्लेन ग्राउंड जो है वो कितना है 20 मीटर, मतलब कौन सा है स्क्वायर शेप में प्लेन ग्राउंड। तो हम लोग स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे पहले 20 मीटर। अभी जैसे मैंने बताया स्क्वायर में क्या आता है सभी साइड इक्वल होते हैं, तो 20 मीटर तो 20 मीटर सबके सब 20 मीटर ही हो जाएंगे। ठीक है, ईच साइड ऑफ प्ले ग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग, हो गया। वन प्लेयर टुक 5 राउंड, कितना राउंड लगा रहे हैं 5 राउंड। ठीक है, अराउंड ग्राउंड हाउ मेनी मीटर्स डिड ही रन ऑल टूगेदर, तो टोटल कितना मीटर रन करेगा, तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ प्ले ग्राउंड। कौन से शेप में है, तो स्क्वायर में, तो 4 into side। ठीक है, 4 into कितना है तो 20 मीटर है, कितना है वन साइड 20 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 मीटर हो जाएगा, 4 2 8। ये पेरीमीटर, ये क्या है हमारा सिंगल राउंड, मतलब अगर हम लोग जो जो भी प्लेयर्स हैं उसको वो एक बार राउंड लगा रहे हैं तो उनको कितना 80 मीटर लेंथ कवर हो रहा, तो वो कितना राउंड लगा रहा है 5 राउंड, है ना, कितना राउंड लगा रहा है वो 5 राउंड। ईच प्लेयर या फिर वन प्लेयर दिया था, हम लोग ले लेंगे वही वन प्लेयर टू 5 राउंड अराउंड प्ले ग्राउंड। तो अभी वन राउंड का कितना है 80 मीटर है, तो 5 into 80 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 8 5 40 और 1 मीटर, मतलब वो कितना मीटर पूरा रन कर रहा है 400 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर्स डिड ही रन ऑल टुगेदर, 400 देयरफॉर वन प्लेयर रन 400 मीटर, है कि एकदम सिंपल सिंपल है। क्या करना है हमें, पहले उसको समझना है कि क्वेश्चन में कौन सा शेप में दिया हुआ है डिटेल। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल था, यहाँ पे क्या था स्क्वायर, अब स्क्वायर दे दिया है तो पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट जो पेरीमीटर फाइंड करेंगे वो सिंगल राउंड का, और कितना राउंड ले रहा है वो 5 राउंड, तो 5 into सिंगल राउंड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 400 मीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 राउंड ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट अराउंड अ फील्ड इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, हाउ मच वायर विल बी नीडेड। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं मैं कैसे। रेक्टेंगुलर शेप में क्या है, एक फील्ड है और इसमें क्या करना है, उसके चारों तरफ हमें वायर को फेंस करना है। तो लॉन्ग कितना है 60 मीटर और वेट कितना है 40 मीटर, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं। अभी हम लोग यहां पे फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ क्या है, क्या दिया ग्राउंड है कि क्या है फील्ड है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, तो 2 into length plus 2 into breadth, 2 into 60 plus 2 into 40 ये मीटर में है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 मीटर plus 80 मीटर, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 मीटर, मतलब प्लेन जो ग्राउंड है हमारा एक वन साइड उसको फेंस करने में, एक बार उसको फेंस करने में कितना 200 मीटर वायर रिक्वायर्ड हो रहा है। तो हमें कितना टाइम फेंस करना है, 4 राउंड ऑफ द वायर फेंस हैज टू बी, 4 राउंड कितनी बार 4 बार,
we have to fence four round wire, है ना? तो कितना? तो 4 into 1 round का कितना है? 200 meter. तो multiply कर देंगे 4 to 4, 8 हो जाएगा. तो कितना मिल जाएगा हमें? 800 watt. Therefore, we need 800 meter wire to fence the field. है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 into 200 meter मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 मीटर पता है, एक फेंस करने में कितना 200 मीटर लग रहा है. तो उसी तरह 4 टाइम उसको फेंस करना है तो कितना मीटर वायर लगेगा? तो हमें 800 मीटर वायर लगेगा. उसी तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया. बहुत ही सिंपल है. क्या दिया? द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर, है कि नहीं, एंड 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल? जैसे हम लोग ने ऑलरेडी पहले का देखा हुआ है कि पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल पता है, पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर, लेकिन पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल में क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड. क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड. सम ऑफ ऑल साइड. तो सम ऑफ ऑल साइड बहुत ही सिंपल है, सभी साइड पर ऐड कर देंगे. तो 24.7 सेंटीमीटर प्लस 20.4 सेंटीमीटर प्लस, इसको भी इसके आगे लिख लेंगे, 10.5 सेंटीमीटर. अभी इसको ऐड कर लेंगे हम लोग. बहुत ही सिंपल है. इसमें जैसे अभी क्या करना है हमें, सभी को ऐड कर लेना है. तो एक यहां पे मैं आपको ऐड करके बता दे रहा हूं. ठीक है, अब हम लोग ऐड कहां से करेंगे नंबर्स को? तो हमेशा यूनिट डिजिट से ही नंबर्स को ऐड करेंगे. अभी देखो यहां से हम लोग ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 9. 9 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16. ठीक है, यहां पर डेसिमल ऐसे आ जाएगा, 1 यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा. ठीक है, यहां पर 2 प्लस 2 4, 4 और 1 5. तो टोटल कितना आ जाएगा? 55.6 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? द पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 55.6 सेंटीमीटर. ये आंसर हो जाएगा. है कि नहीं सिंपल? अभी जैसे अगर आपको इसे वर्टिकली अगर अरेंज नहीं करना है ऐड, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं यहां से यूनिट के साथ में. 7 प्लस 4 11, 11 एंड 5 16, 1 कैरी हो जाएगा, फिर 4 0 है प्लस 0 तो 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2 4 और 1 5. इस तरह से भी हमारा आंसर मिल जाएगा. लेकिन कैसा, अगर आप वर्टिकली एक बार कर लोगे तो अच्छा है. अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल हो रहा है, आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम सेट 47 कंप्लीट हुआ. इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना. उसके साथ में अगर आप मेरी तरफ से कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताना. जितने लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके. और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. वीडियो को लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.